मेला प्रेम का लगता रहे गुरु तेरे सचखंड में। तो गुरु हमेशा प्रेम का मेला ऐसा लगाता रहता है और लगता ही रहता है सचखंड दरबार में, जो सब माला माल होके जाते हैं, देते हुए नहीं देखा लेकिन झोलियां सबकी भरी हुई देखी, है ना? आप सबकी झोलियां भरी हुई है या नहीं, देख लेना। सुदामा आया था कृष्ण भगवान के पास इतना मुट्ठी भर चावल लेकर के, और जब वापस गया तब देखा इतना सारा माला माल। तो बाहर से देते हुए नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। तो हम देखते हैं कि सबके अंदर में कितना उमंग उत्साह और ये सब माल खजाने सबके अंदर भरे हुए हैं। सुनिया सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल, सबके अंदर लाल, सबके अंदर इतने खजाने भरे हुए हैं, लेकिन चाबी गुरु के पास है। तो जब गुरु के पास आते हैं श्रद्धा से, विश्वास, प्रेम से, और वो चाबी गुरु दे देता है, तो हमारे अंदर से माल खजाना, अंदर का अखुट खजाना इतना अंदर से निकलता जाता है कि अभी तुमको ये ब्रह्म ज्ञान के सिवाय ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। तो अभी तुमको दुनिया का रस अभी फीका फीका लगता है। जब सच्ची मस्ती मिल गई, ब्रह्म ज्ञान की मस्ती, आत्म रस पी लिया, तो अभी दुनिया का रस किसी को भाता नहीं है। अभी देखो तुम प्रकृति का सुख तो बहुत घूमे फिरे होंगे दुनिया में, कोई अपने परिवार के साथ में, हस्बैंड के साथ में, अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के साथ में, और ये जो मेला लगता है प्रेम का, उसमें कुछ अंतर लगता है या नहीं लगता है? है अंतर। तो माना ये प्रकृति का आनंद भी पुरुष के साथ, परमात्मा के साथ ये जो आनंद और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, अंतरात्मा का आनंद मिलता है, जिसमें झूम झूम जाते हैं गुरु के संग। जो मस्ती आती है वो कुछ और ही रंग लाती है, कैश सौदा हो जाता है कैश। अंतरात्मा का आनंद रस छलकने पड़ता है, नहीं तो अंदर मन सबका सूना सूना, सूखा सूखा पड़ा है। हम तो देखते हैं दुनिया में लोग मुस्कुराने के भी कंजूस हैं। एक औरत चर्च के बाहर बैठती थी, जो भी आता था उसको सिर्फ मुस्कुरा के उनका वेलकम करती थी, मुस्कुराहट देती थी, और जब वो वहां से निकलते थे तो उसको मुस्कुराते मुस्कुराते, उसको जैसे मुस्कुराते मुस्कुराते कहते थे बहुत अच्छा वेलकम, और अभी जा रहे हैं खुशी आनंद भर के जाना। तो सिर्फ मुस्कुराहट देती रहती थी, दुनिया में कुछ और दान नहीं करो, कुछ नहीं गिफ्ट दो, लो देने लेने में तो झंझट है, हेडेक, लिया और दिया सोचना पड़ता है, इसने दिया फिर लिया, ये लिया तो फिर देना पड़ेगा। तो ऐसे ही दुनिया में कंडीशनल प्यार होता है, और यहां जो प्यार है वो अनकंडीशनल, बिना शर्त के निस्वार्थ प्यार गुरु हमें देता है, निस्वार्थ प्यार। देखो बाहर से कुछ नहीं देता है गुरु, पर प्रेम, मुस्कुराहट, शुक्राना, हृदय का मुस्कुराना गुरु सिखा देता है। तो सबकी कलियां देखते हैं कि कश्मीर की कली बन जाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, फूल बन जाते हैं, सब महक उनकी मीठी मीठी सुगंधी से सब भर जाते हैं, तरोताजा होकर जाते हैं, सब रेड रेड लाल लाल होके जाते हैं, जैसे इधर जैसे शादी का माहौल हो जाता है, खुशी का, आनंद का। दुनिया के तुम जो भी यज्ञ करते हैं या जो भी शादियां सेरेमनीज ये होते हैं, अभी भी किसी ने बताया उसका 25th एनिवर्सरी था, तो होटल में पार्टी देना, ये करना। हमने देखा लुधियाना से ये पूजा जी आ गए थे बॉम्बे में, बोला उसमें तो दुनिया में तो बहुत बड़ी पार्टी देनी पड़ेगी, लेना देना ये वो, मतलब कितना होता है ना शोर शराबा। सीधा भाग के आ गई दादा भगवान के पास बॉम्बे में टिकट लेकर। तो कितना फर्क होता है दुनिया की खुशी और ये जो आनंद है, तो खुशी, सुख और आनंद में बहुत अंतर होता है। दुनिया का सुख जो है वो आने जाने वाला,
टेम्पररी सुख होता है, और ये जो आनंद है वो सब अंदर हृदय से भर भर के प्याले पीते जाते हैं और सब में बांटते रहते हैं। जितना तुम पीते हैं उसी से ज्यादा फिर जब बांटते हैं तो सिसकियां जैसे अंदर से नहीं, जैसे रस बहने लगता है, स्त्रोत आनंद का स्त्रोत बहने लगता है। नहीं तो सबके अंदर जैसे जैसे सूना सूना सूखा झरने के ऊपर जैसे पत्थर आ जाए तो कैसे वो बंद हो जाते हैं, बंद कलियां थी और गुरु के पास आकर के वो मुस्कुराती हुई कलियां हो जाती हैं। तो कितना हम लकी हैं, भाग्यशाली हैं जो गुरु हमें भर भर के ये आनंद और ये जो जाम है सच्चा रस आत्म रस पिलाता जाता है। मेरे साकिया बता दे वो कौन सी शराब है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। सब इधर झूमते रहते हैं, कोई नाराज नहीं, कोई दुखी नहीं, सब एक दूसरे के लिए प्यार इज्जत, तुम खाओ तुम पियो तुम आगे आओ तुम बैठो, सब एक दूसरे के लिए जैसे कुर्बानी करते रहते हैं, त्याग भावना रहती है। एक दिन एक बेबी फिश थी, उसने अपनी मदर से पूछा, अब बेबी फिश आफ्टर हर मदर अपनी मदर से पूछती है, तो ये दुनिया के लोग अर्थ पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, और हम पानी में क्यों, हम पानी में। तो बोला क्योंकि ये जो मनुष्य है वो सेल्फिश है, वो सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपने सुख के लिए जीते हैं। तो गुरु हमें निस्वार्थ प्यार दे करके हमारे जीवन को धन्य धन्य बना देता है, निष्काम प्यार करना सिखाता है, जिसमें कुछ न लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना देना भी नहीं है, और हर एक अपने आत्म मस्ती में, अंदर की जो मस्ती है, अंदर की धरती के अंदर पानी है पर हमें पता नहीं है कि कैसे पानी निकलेगा। गुरु बोलता है अंदर खुदाई करो, अंदर भीतर जाओ, उतरा जो सागर में उसको ही हीरे मिले मोती मिले। तो जो अंदर उतरना गुरु सिखा देता है कि हम अपने भीतर भीतर, तो जो अपने भीतर जाता है, भीतर हम भीतर तुम भीतर, हम भीतर जाते हैं और तुम भी तर, तुम भी तर भीतर जाते हैं तो तर जाते हैं। तो जब तक अंतर आत्मा में अंदर नहीं उतरते हैं, अपनी आत्मा को अनुभव नहीं करते हैं, तब तक अंदर आत्मा का, अंतर आत्मा का आनंद स्त्रोत बहता नहीं है, अनुभव नहीं होता है। तो यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तो सत को जानने से हमारे दुनिया के झूठे बंधन सब टूट जाते हैं। When knowledge dawns, the world disappear. जब ये सच्चा ज्ञान अंदर में आ जाता है तो दुनिया का झूठा ज्ञान जो है, When knowledge dawns, the world disappear. फिर जगत माया दिखाई नहीं देती है, उसके लिए माया नहीं रहती है, वो जगदीश ही जगदीश दिखता है, जानता। तो इस प्रकृति का भी साथ साथ में मौज लेते हुए उसमें जब पुरुष परमात्मा को जब जानते हैं, परमात्मा की खूबसूरती देखते हैं, तब भी उसी का आनंद आता है। तुम अकेले में, हम एक बार क्या हुआ था पचमणी में, हम लोग का प्रोग्राम था जाने का, पूरा फिक्स था प्रोग्राम, अचानक से उस दिन ऐसी कोई बारिश हुई थी तो वो ट्रेन कैंसिल हो गई, हम लोगों की ट्रेन कैंसिल हो गई। वो सब पहुंच गए, कितने सारे 100-150 लोग पहुंच गए थे, एक दिन पहले ही वो पहुंच जाते हैं जैसे अपना वो वेलकम के लिए आगे आगे आ जाते हैं एक दिन पहले ही। ट्रेन कैंसिल हो गई, बोला अभी पचमुनी अच्छी नहीं लगती। हमने कहा वही प्रकृति का आनंद है, अच्छी क्यों नहीं लगती है, आप उधर सत्संग करो ये करो। बोला नहीं, मन ही नहीं लगता है आपके बगैर, कैसे भी करके प्लेन की टिकट लेकर के फिर आप दूसरे दिन भी आ जाओ बली। तो भोपाल से फिर प्लेन पकड़ करके फिर वापस पचमणी जाके पहुंचे थे दूसरे दिन। तो कैसे, तो पचमणी तो वही था, हिल स्टेशन वही थी, पर बोला दादा के बिना गुरु के बिना जैसे वो आनंद नहीं है। तो प्रकृति का भी आनंद जो है वो पुरुष के साथ, उसके योग के साथ ही वो तभी आनंद और शांति मिलती है। तो ये प्रकृति है शरीर, उसमें जब पुरुष परमात्मा को, पुरुषोत्तम जो पुरुष में उत्तम पुरुष है परमात्मा, तो उस पुरुषोत्तम को जब जानते हैं अनुभव करते हैं, गुरु का सानिध्य मिलता है, हम अपने भीतर अंदर सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। यू टू नो दाई सेल्फ,
तो गुरु हमें सिर्फ बार बार आत्मा का संगीत सुना करके अपनी आत्मा में जगाता है। तो ये आत्मा का निश्चय जरूर अपने साथ पक्का रखना, जिसमें हमें सच्चा आनंद, सच्चा जो अंदर का रस, अंदर की आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो हमेशा एवरलास्टिंग हैप्पीनेस रहती है। तो अभी तुमको दुनिया में भी रहेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए भी तुम असंसारी होकर के रहेंगे, असंग होकर के रहेंगे। तो उसमें सुंदरता भी परमात्मा की डालेंगे जब भी, तभी आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। सब चीजों में परमात्मा को ऐड करते जाएं, भगवान को बीच में डालते जाएं, गुरु को परमात्मा को आगे रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। पूरा सतगुरु बेटिया तो पूरी हुई युक्त, पीछे हसंदियां खावंदियां खिलंदियां विचा होवे मुक्त। तो गुरु जब सच्चा मिलता है तभी हमें मुक्ति का सच्चा आनंद दिलाता है, आत्म रस पिला करके भरपूर और तृप्त कर देता है। तो इधर से जब जाएंगे तृप्त और भरपूरता देखेंगे, कितनी अंदर में भरपूरता आ गई है, पार ब्रह्म परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परम लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर दुनिया के छोटे छोटी बातों के लिए अभी तुमको रोना नहीं पड़ेगा, अभी दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया। तो यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तो सत को जानने से हमारे दुनिया के झूठे बंधन सब टूट जाते हैं। When knowledge dawns, the world disappear. जब ये सच्चा ज्ञान अंदर में आ जाता है तो दुनिया का झूठा ज्ञान जो है, When knowledge dawns, the world disappear. फिर जगत माया दिखाई नहीं देती है, उसके लिए माया नहीं रहती है, वो जगदीश ही जगदीश दिखता है जहां तहां। तो उस प्रकृति का भी साथ साथ में मौज लेते हुए उसमें जब पुरुष परमात्मा को जब जानते हैं, परमात्मा की खूबसूरती देखते हैं, तब भी उसी का आनंद आता है। तुम अकेले में, हम एक बार क्या हुआ था, पचमणी में हम लोग का प्रोग्राम था जाने का, पूरा फिक्स था प्रोग्राम। अचानक से उस दिन ऐसी कोई बारिश हुई थी तो वो ट्रेन कैंसिल हो गई, हम लोगों की ट्रेन कैंसिल हो गई। वो सब पहुंच गए, कितने सारे 100-150 लोग पहुंच गए थे एक दिन पहले ही। वो पहुंच जाते हैं जैसे अपना वो वेलकम के लिए आगे आगे आ जाते हैं एक दिन पहले ही। ट्रेन कैंसिल हो गई, बोला अभी पचमुनी अच्छी नहीं लगती। हमने कहा वही प्रकृति का आनंद है, अच्छी क्यों नहीं लगती है, आप उधर सत्संग करो ये करो। बोला नहीं, मन ही नहीं लगता है आपके बगैर, कैसे भी करके प्लेन की टिकट लेकर के फिर आप दूसरे दिन भी आ जाओ बली। तो भोपाल से फिर प्लेन पकड़ करके फिर वापस पचमणी जाके पहुंचे थे दूसरे दिन। तो कैसे, तो पचमणी तो वही था, हिल स्टेशन वही थी, पर बोला दादा के बिना, गुरु के बिना जैसे वो आनंद नहीं है। तो प्रकृति का भी आनंद जो है वो पुरुष के साथ, उसके योग के साथ ही वो तभी आनंद और शांति मिलती है। तो ये प्रकृति है शरीर, उसमें जब पुरुष परमात्मा को, पुरुषोत्तम, जो पुरुष में उत्तम पुरुष है परमात्मा, तो उस पुरुषोत्तम को जब जानते हैं, अनुभव करते हैं, गुरु का सानिध्य मिलता है, हम अपने भीतर अंदर सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, यू टू नो दाई सेल्फ। तो गुरु हमें सिर्फ बार बार आत्मा का संगीत सुना करके अपनी आत्मा में जगाता है। तो ये आत्मा का निश्चय जरूर अपने साथ पक्का रखना, जिसमें हमें सच्चा आनंद, सच्चा जो अंदर का रस, अंदर की आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो हमेशा एवरलास्टिंग हैप्पीनेस रहती है। तो अभी तुमको दुनिया में भी रहेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए भी तुम असंसारी होकर के रहेंगे, असंग होकर के रहेंगे। तो उसमें सुंदरता भी परमात्मा की डालेंगे जब भी, तभी आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। सब चीजों में परमात्मा को ऐड करते जाएं, भगवान को बीच में डालते जाएं, गुरु को परमात्मा को आगे रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। पूरा सतगुरु बेटिया तो पूरी हुई युक्त, पीछे हसंदियां खावंदियां खिलंदियां विचा होवे मुक्त। तो गुरु जब सच्चा मिलता है तभी हमें मुक्ति का सच्चा आनंद दिलाता है, आत्म रस पिला करके भरपूर और तृप्त कर देता है। तो इधर से जब जाएंगे तृप्त और भरपूरता देखेंगे, कितनी अंदर में भरपूरता आ गई है, पार ब्रह्म
परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परम लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर दुनिया के छोटे छोटी बातों के लिए अभी तुमको रोना नहीं पड़ेगा। अभी दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया, नो दाय सेल्फ। तो गुरु हमें सिर्फ बार बार आत्मा का संगीत सुना करके अपनी आत्मा में जगाता है। तो ये आत्मा का निश्चय जरूर अपने साथ पक्का रखना, जिसमें हमें सच्चा आनंद, सच्चा जो अंदर का रस, अंदर की आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो हमेशा एवरलास्टिंग हैप्पीनेस रहती है। तो अभी तुमको दुनिया में भी रहेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए भी तुम असंसारी होकर के रहेंगे, असंग होकर के रहेंगे। तो उसमें सुंदरता भी परमात्मा की डालेंगे जब भी, तभी आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। सब चीजों में परमात्मा को ऐड करते जाएं, भगवान को बीच में डालते जाएं, गुरु को परमात्मा को आगे रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। पूरा सतगुरु बेटिया तो पूरी हुई युक्त, पीछे हसंदियां खावंदियां खिलंदियां विचा होवे मुक्त। तो गुरु जब सच्चा मिलता है तभी हमें मुक्ति का सच्चा आनंद दिलाता है, आत्म रस पिला करके भरपूर और तृप्त कर देता है। तो इधर से जब जाएंगे तृप्त और भरपूरता देखेंगे, कितनी अंदर में भरपूरता आ गई है, पार ब्रह्म परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परम लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर दुनिया के छोटे छोटी बातों के लिए अभी तुमको रोना नहीं पड़ेगा। अभी दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, आंसू बहाना हमने छोड़ दिया। तो अभी तुमको दुनिया में भी रहेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए भी तुम असंसारी होकर के रहेंगे, असंग होकर के रहेंगे। तो उसमें सुंदरता भी परमात्मा की डालेंगे जब भी, तभी आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। सब चीजों में परमात्मा को ऐड करते जाएं, भगवान को बीच में डालते जाएं, गुरु को परमात्मा को आगे रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। पूरा सतगुरु बेटिया तो पूरी हुई युक्त, पीछे हसंदियां खावंदियां खिलंदियां विचा होवे।